मगर इंसाफ मिल तो नहीं रहा, इसलिए धरना जारी रहेगा। नम काम पर लौटेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी आप देख सकते हैं धरना का और ज़्यादा जो है पैमाना तेज हो चुका है। यहाँ पर सरों का सैलाब है, इतना सर है कि आप गिन नहीं पाएंगे, अनकाउंटेबल सर है। और सब जो सर है ये सभी लोग अपने मर्जी से आए हैं, सभी लोग धरना कर रहे हैं, धरना पर जा रहे हैं, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने जो विचार रखे हैं बस वो सुनिए और हमें विचार दे दीजिए, बस इतना ही है हमारा डिमांड। बस है चार डिमांड्स जो वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से हमें दिया गया है, तो बस आप वो डिमांड सुनिए और हमारी बातें सुनकर उस पर अमल करिए। जब तक आप अमल नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे, क्योंकि हमें विचार तो चाहिए, दीदी का विचार। आप एक खातून, एक महिला है, और जिस स्टेट, जिस शहर में महिलाओं की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो, अस्मत दरी हो, रेप हो, वहां पर पूजा में लौट आने के लिए चीफ मिनिस्टर कहती है, क्या कहती है आप, पूजा मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? देखिए बात तो उत्सव का है, तो प्रतिवाद ही हमारा उत्सव है। चारों तरफ देखिए ढोल बज रहा है, शंख बज रहा है, तो इस बार तो दीदी का विचार ही हमारा उत्सव है, तो हम उत्सव में थे, लौटने का कोई जरूरत नहीं है। प्रतिवाद ही हमारा उत्सव था, वो चल रहा है 31 दिन से, और जब तक विचार नहीं मिलेगा तब तक ये प्रतिवाद का उत्सव चलता ही रहेगा। आपका शुभ नाम? जी हर्षा भियानी, कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज। चलिए शुक्रिया, और भी लोगों के साथ चलेंगे, हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग सामने में बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बातें करते हैं। यहाँ पर कुछ खातून है, हाँ। बैठी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि मंगल को 5 बजे तक काम पे लौट आना है, मगर उसके बाद देख रहा धरना और ज्यादा तेज हो गया, क्या कर?
लास्ट क्वेश्चन की बोल ले। मैं बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्यूजडे तक 5 बजे तक काम पे लौट आना है, मगर उसके बाद देख रहा हूँ कि आप लोग धरना और ज्यादा तेज कर दिया। हमारे दाबी ना मिटा उपधि हमने आंदोलन चालिए जब सुप्रीम कोर्ट जेटा बोले से जे हमारे काजे फिरते सेटा हमने अवश्य रेस्पेक्ट करी, किंतु हमारे दाबी ना मिटा उपधि हमरा हमारे आंदोलन चालिए जब सेटा 2 दिन होक 3 दिन होक हमरा 3 दिन एखानी थाकबो एखानी रात जागबो और एखानी आंदोलन करे जब। कैसा इंसाफ चाहिए, इंसाफ में डिले क्यों हो रहा है? वो तो पता नहीं, आप लोग ही सवाल कीजिए, इंसाफ का पता क्यों नहीं हो रहा है। किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही? गॉड नोज, वी डोंट नो, वी जस्ट वांट जस्टिस। और ये स्वास्थ्य भवन के सामने कब तक धरना चलेगा? जब तक हम लोगों का दाबी नहीं सॉल्व होगा तब तक हम लोगों का ये जो आंदोलन है कमिश्नर को रिजिग्नेशन को हाँ की बोलिए कमिश्नर का आप लोग का डिमांड है कि रिजिग्नेशन दे, हेल्थ सेक्रेटरी रिजिग्नेशन दे। हाँ, आप लोग का सेफ्टी का मामला है, प्रोटेक्शन का 5 दफा दाबी है, वो अगर सॉल्व हो जाता है तो फिर हम लोग काम पे लौट जाएंगे। कौन से मेडिकल कॉलेज से आपका सुनना? कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज। शुक्रिया। चलिए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे, मगर आप देख सकते हैं इस तरीके से हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और कंटिन्यू लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं और इस तरीके से आप देख रहे हैं, दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये धरना जो है वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है ये धरना और भी ज़्यादा तेज हो रहा है, और इस तरीके से देख सकते हैं कि अनलिमिटेड लोग हैं, अनलिमिटेड के यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर है, और इस तरीके से जिस तरीके से धरना यहाँ पर जारी है उसके बारे में एक ही चीज़ कहा सकता है कि इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा ये लोग धरना पे बैठे हुए रहेंगे, धरना दिखाते रहेंगे। मगर उससे पहले फिर हम बोलते हैं कि एक बार जो है धरना को दिखाया जाए, धरना स्थल को दिखाया जाए, सही से दिखाया जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिस्किट्स भी है, ये पानी भी है, सब चीज़ है, सबके साथ यहाँ पर धरना जारी है और धरना ये कंटिन्यू जारी रहेगा इस तरीके से। कुछ ब्लैक कपड़ा में भी है, इस तरीके से मामला आप देख रहे हैं कि सामने में मौजूद है डॉक्टर्स वगैरह है, और इस तरीके से ये बंगाल का अब तक का ममता बनर्जी के सरकार में सबसे बड़ा धरना है, और वो भी समझ में नहीं पा रही होगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सब जूनियर डॉक्टर्स और लोग जो धरना पे बैठे हुए हैं, इंसाफ की बड़ी लड़ाई है, इंसाफ के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। इन लोग कहना है कि हम महलाया में उस वक्त तक नहीं लौटेंगे जब तक हमारे अभाया को इंसाफ नहीं मिल जाता है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातें करेंगे, हमारे सामने में अगर कुछ लोग मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ट्यूजडे को 5 बजे तक अपने काम पे लौट आना है, मगर उसके बरक्स मैं देख रहा हूँ, उसका उल्टा देख रहा हूँ कि और ज्यादा धरना तेज हो गया। क्या कहती है? हम लोग कहना चाहेंगे कि कोई भी पेशेंट को लौटाया नहीं जा रहा है, हमारा जो सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें भी सपोर्ट करना होगा सब लोगों को, हमें जो चाहिए अभय का विचार मिलना चाहिए। थैंक यू। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आप लोग जो दुर्गा पूजा उत्सव में आ जाइए। अभी उत्सव के बारे में तो नहीं सोच सकते, यही उत्सव है, उत्सव यही है। चलिए आप देख सकते हैं कि उनका कहना है इस तरीके से सामने में मौजूद है और इस तरह के कंटिन्यू हम लोग देखा सरप्रस में आपको स्वागत है। देख रहा हूँ कि धरना और बड़े पैमाने पे हो गया है। हाँ। इंसाफ की लड़ाई की जो सीमा है, जो तरीका है, उसको और बढ़ा दिया गया। वो तो बढ़ेगा, जब तक विचार नहीं मिलेगा हम लोग सब लड़ेंगे, हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, हम लोग उठेंगे नहीं जब तक ना विचार मिलता है हम लोगों को। क्या डिमांड है आपका? एक ही डिमांड है, वी वांट जस्टिस। आरजी कोर्ट में जो हुआ है रेप कल्चर बंद करना होगा, बस वी वांट जस्टिस, एक ही डिमांड है हम लोगों का, पूरे इंडिया का, पूरे वेस्ट बंगाल का, हम सबका एक ही डिमांड है, वी वांट जस्टिस। सिर्फ जस्टिस, इसी इंसिडेंट का जस्टिस नहीं चाहिए हमें, रेप कल्चर पूरा जो है ये बंद करना पड़ेगा, पूरा जड़ से खत्म करना पड़ेगा, बस यही हमारा डिमांड है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पूजा में लौट आइए, उत्सव में लौट आइए। हाँ, उत्सव तो मना रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठ के, यही तो हमारा उत्सव है, हम लोग यही मनाएंगे। दुर्गा पूजा में भी अगर हम लोग देखने जाएंगे ना, लाइन में खड़ा होकर यही बोलेंगे वी वांट जस्टिस, यही हमारा उत्सव होगा, यही उत्सव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंगल को 5 बजे तक काम पे लौट आइए, मगर देख रहा हूँ कि धरना और ज्यादा तेज हो चुका। कोई नहीं लौटेगा, क्यों लौटेंगे? अगर एक वर्क प्लेस में कोई सेफ नहीं है,
डॉक्टर नर्स एक हॉस्पिटल सब चलाते हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मेन कौन है? डॉक्टर नर्स, इन दोनों का अगर कोई सुरक्षा है नहीं तो क्यों लौटेंगे लोग काम में? नहीं जाना चाहिए और हम लोग जाएंगे भी नहीं। आपका शुभ नाम? और नेशा दाश। कौन से मेडिकल कॉलेज? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, हाँ, और मैं स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी में हूँ। चलिए थैंक यू। आप देख सकते हैं कि सब प्रोटेस्टर से मैं बात भी कर रहा हूँ और उनकी राय भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको राय भी बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये स्वास्थ्य भवन है। स्वास्थ्य का मतलब होता है हेल्थ, हेल्थ का मतलब होता है सेहत, सेहत का मतलब होता है कि सब चीज़, सेहत नहीं तो कुछ नहीं, मगर हेल्थ भवन मतलब सेहत भवन के सामने में ही ये आंदोलन जारी है, आंदोलन लोग कर रहे हैं। अब हालत क्या है मेरी अच्छी तरीके से पता है, दादा भी हेलमेट लगा करके है, जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं और अभाया के इंसाफ के लिए आप रास्ते में खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके सर में पट्टी भी है सादे में और काले का लिखा हुआ, क्या कहते हैं आप? ये तिलोत्तमा लिखा हुआ है। हम लोग बस एक ही कारण इधर है, वी वांट जस्टिस। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रास्ते पे है और रास्ते पे ही हम लोग रहेंगे। डिमांड एक ही है, वी वांट। खताएं हो गई, किससे गलती हो गई? गवर्नमेंट से तो गलती जरूर हुआ है, गवर्नमेंट तो जरूर, अभी तक सीबीआई इसमें है लेकिन अभी तक कोई कुछ, अभी तक जस्टिस मिला नहीं। डेट के पर डेट जा रहे हैं लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ मिला नहीं। इंसाफ में डिले हो रहा है। एग्जैक्टली, और जब तक इंसाफ मिलेगा नहीं तब तक हम लोग रास्ते पे ही, हम लोग रास्ते से हटेंगे नहीं। आम जनता का आंदोलन हो चुका है। एग्जैक्टली, अभी डॉक्टर के साथ साथ ये आम जनता का भी ये आंदोलन हो चुका है। अफसोसनाक बात है। एग्जैक्टली। शुभ नाम? मेरा नाम है प्रतिम भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और इस तरीके से दिखा रहे हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं। इंसाफ की पुकार लगाई जा रही, इंसाफ मिल नहीं पा। ये इंसाफ और एरोगेंस का लड़ाई है, एरोगेंस वर्सेस इंसाफ। मैं एक डॉक्टर हूँ, सीनियर डॉक्टर जो जूनियर को सपोर्ट करने आया है। हम लोगों से पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली अपोलिटिकल। वो लोग सिर्फ इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कि ताकि उनको इसको काबू करने में सुविधा हो, तो इट इज ओनली देयर रूलर्स, एवरी रूलर्स पर्सपेक्टिव। तो आज देख सकते हैं काफी तादाद पे ओनली कॉमन, हाँ, बहुत सारा कॉमन पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोटेस्ट। तो ये सिर्फ सबका मन का ख्वाहिश लेके आया है कि ये प्रोटेस्ट है मिडिल क्लास बंगाली का, बंगाल के सम्मान का प्रोटेस्ट है, महिला के सम्मान का प्रोटेस्ट है, बहुत बहुत इज्जत आबरू का प्रोटेस्ट है ऑब्वियसली। तो सिर्फ नॉट ओनली महिला का सम्मान, इसके साथ मिडिल सब जो ये मेन जो कारण है जो जुल्म हुआ है आरजी कौर में, उसके साथ उसको कवर अप, इतनी घिनौनी हरकत हुई कि हम लोग बयान भी नहीं कर पाए उसका, और उसका कवर अप एंड द करप्शन ऑल शुड बी, ऑल दोज हु आर रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट शुड बी एक्सपोज्ड। चलिए, आपका शुभ नाम? डॉक्टर आयन बनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू हम बात कर रहे हैं, बताने की भी कोशिश कर रहे हैं और इसी तरीके से देख सकते हैं वी वांट जस्टिस और इस तरीके से वी डिमांड जस्टिस का नारा लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मलाया में और भी हमें आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और इस तरीके से सामने में मौजूद है, हम लोगों से कुछ बातें करेंगे। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, खवातीन यहाँ पर सामने में चैनल में आपका स्वागत है। हम देख सकते हैं कि इस तरीके से और भी है मूव कर रहे हैं। फिर फाइनली एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर बताना भी चाहता हूँ कि धरना कब तक चलेगा कहना मुश्किल है, मगर ये धरना जो होता है उसका कुछ रीजन होते हैं। ये धरना या आंदोलन ऐसे नहीं शुरू हो जाता है, उसके कुछ वजूहात होते हैं, कुछ असबाब होते हैं, कुछ मकासद होते हैं, कुछ एम होते हैं, कुछ गोल होते हैं, तभी लोग रास्ते पर उतरते हैं। क्या पड़ी थी ये डॉक्टर को रास्ते पर उतरने की, गर्म में रहने की, पसीना छूट रहा है धरना पे बैठे हुए, सड़क पे बैठे हुए, बारिश हो रही है सड़क पे बैठे हुए आंदोलन कर रहा है। मगर कहने का मतलब यह है, जब इंसान का पानी सर से ऊंचा हो जाता है, जब जुल्म का सीमा जुल्म बढ़ जाती है और इस तरीके से इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में अवाम जो है रास्ते पर उतरती है। जब अवाम रास्ते पर उतरती है तो उनके सामने में ना कोई सरकार होती है, ना उनके सामने में कोई हुकूमत होती है, ना उसके सामने में कोई अदलिया कोर्ट होता है। सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की आवाज़। आज जनता यहाँ की जागरूक हो चुकी है, यहाँ के डॉक्टर जागरूक हो चुके हैं, यहाँ के जूनियर डॉक्टर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सारा मामला आपके सामने में है। हम लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि जो अभया के साथ
जो आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जिस दरिंदे जिस हैवान ने उनकी इज्जत को लूटा गया, उनके साथ अस्मत दरी हुई, उनके साथ बलात्कार हुआ, मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया, ऐसी सूरत हाल में अगर हम उनके इंसाफ के लिए नहीं उठते हैं तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि आम जनता आम लोग भी यहाँ पर उठ रहे हैं। फिर कैमरामैन को मैं बोलता हूँ कि एक बार धरना को दिखाया जाए, धरना को दिखाइए। Project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now